तो स्पोर्ट्स सब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जो है डालिमा शिब्बर जुड़ गई है। डालिमा, सबसे पहले एक चीज है यार, आपकी कल की प्रेडिक्शन हमारी कल की प्रेडिक्शन फिर से गलत हो गई। स्कोर नहीं बनाया, मतलब स्कोर प्रेडिक्शन नहीं किया था तब भी गलत हो गई। इसीलिए मैंने बोला था कि प्रेडिक्शन आई थिंक मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी दोनों की दोनों प्रेडिक्शंस गलत हो गई। ऑल्दो इंग्लैंड ने काफी अच्छा खेला, इंग्लैंड काफी क्लोज आई थी गेम जीतने के वो प्रेडिक्शन सही होने के, बट अगर वो पेनल्टी अंदर चली जाती बट आई थिंक अगली बार से मुझे पता है जब अर्जेंटीना खेलेगी तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रेडिक्शन करना ही नहीं है। चलिए अब इंग्लैंड की अगर बात हुई है तो इंग्लैंड और फ्रांस के मुकाबले को ही पहले लेते हैं। बेटर टीम इंग्लैंड लग रही थी, इंग्लैंड थी भी, उन्होंने ज्यादा चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने अटेम्प्ट किए शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगा कि गैरेथ साउथगेट को चेंज जो है वो जल्दी कर देने चाहिए थे, रैशफोर्ड ग्रिलिश इन सबको जल्दी अंदर ले आना चाहिए था। डेफिनेटली आई थिंक रैशफोर्ड के आने के बाद गेम काफी चेंज हुआ था क्योंकि रैशफोर्ड को काफी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, उनकी काफी शॉट्स भी थी ऑन टारगेट और क्रूशियल एरिया में उनको लास्ट मोमेंट में जो एक फ्री किक मिली थी वो काफी क्लोज भी आई थी उसको स्कोर करने में। तो आई थिंक कि जब देखा था कि गोल स्कोरिंग नहीं हो पा रहा है, काफी अपॉर्चुनिटीज मिस पे मिस हो रही है, आई थिंक वो एक मेंटल ब्लॉक रीच हो जाता है प्लेयर्स का। तो आई थिंक वो अर्ली सब्स्टिट्यूशन गेम के अंदर वो काफी हेल्प कर सकता था इंग्लैंड टीम को। तो आई थिंक वो एक डिसीजन होना चाहिए था, वो एक अर्ली चेंज आना चाहिए था बिकॉज हम सबको पता है कि रैशफोर्ड एक काफी है इंग्लैंड के लिए और क्या कैपेबिलिटीज उनकी एबिलिटीज हैं गोल स्कोरिंग में। बिल्कुल, पहला गोल जो फ्रांस ने दागा और एलिन चुआनी का जो गोल था, सुपर गोल। हम लोग मतलब हमने जो मैच देखा वहां पर कल मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि कीपर के सामने दो मैन डिफेंस तो रहती है जब इंग्लैंड डिफेंस दिखा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बॉल किसी को टच नहीं की और कितनी ज्यादा क्लिनिकल थी। उन्होंने लेफ्ट एरिया टारगेट किया था, वहीं पे बॉल गई, जॉर्डन पिकफोर्ड पूरी डाइव भी लगाया है लेकिन बॉल को छू नहीं पाए। Definitely, I think football में एक जो चीज है, football is all about taking half chances. और वही उनको वहाँ पर वो एक half chance दिखा, वो बिल्कुल 18 yard box के बाहर थे, goal उनके सामने था, उनके पास कोई option नहीं था pass करने का, तो उन्होंने वो chance लिया ball को goal में shoot करने का। तो I think वो उन्होंने मारा क्योंकि human error ह्यूमन एरर काफी होता है फुटबॉल में, हम सबको पता है कभी बॉल रोल करती हुई भी घुस जाती है गोल में। तो आई थिंक वो उन्होंने जो हाफ चांस दिया, वो उन्होंने जो प्लेस करने की कोशिश करी डिफेंडर्स के थ्रू, वो जो बॉल उनके बीच में से जो निकल कर गया वो गोल कीपर को भी कंफ्यूज कर दिया। तो आई थिंक वो काफी काफी सुंदर गोल था। बट फर्स्ट हाफ में आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चांसेस इंग्लैंड को भी क्रिएट करने चाहिए थे, उन्हें भी हाफ चांसेस लेना चाहिए था, लॉन्ग रेंज शॉट लेने चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड ने वो सब नहीं किया। इंग्लैंड टारगेट कर रहा था कि यार लेफ्ट फ्लैंक राइट फ्लैंक यहाँ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। प्लस मुझे इस वर्ल्ड कप में एक चीज देखने को मिली है, हमें सबको पता है कि यार नंबर 9 का जो काम रहता है वो रहता है बॉक्स में ही खड़े रहना। हैरी केन लेकिन पूरे डिफरेंट रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो ना ब्लॉक पे रहे हैं, वो हमें हर तरफ दौड़ते मिले, वो हाफ में भी मौजूद रहते हैं, वो राइट साइड लेफ्ट साइड हर चीज में रहते हैं। तो ये क्या इस चीज की इस मैच में जरूरत थी? I think वो इंग्लैंड में वो हैरी केन को भी पता था कि वो एक फ्रेंच साइड के अगेंस्ट आ रहे हैं जो एक काफी बड़ा थ्रेट है, हम सबको पता है कि वो लास्ट वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं और इस गेम में भी, इस वर्ल्ड कप में भी उनकी काफ़ी फ्रांस की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है। तो आई थिंक वो एडिशनल सपोर्ट डेफिनेटली एक नंबर 9 से हेल्प करता है टीम को जब वो बीच में ड्रॉप करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी बार सेंटर एरिया में आउट नंबर हो रहा था। तो आई थिंक उसमें काफ़ी ज़रूरत थी और हैरी केन के आने से वो सपोर्ट मिला, बट उस चक्कर में जो अटैम्प्ट थे हैरी केन के काफ़ी अटैम्प्ट थे वो काफ़ी क्लोज आए, काफ़ी सारी शॉट्स स्कोर करने के, बट आई थिंक वो वहाँ पे उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जो उनको पीछे आना पड़ा उसमें थोड़ा सा मिस हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा साका ने भी ड्रिबलिंग करी अंदर, बट उनके जो चांसेस थे, उनके जो हाफ चांसेस थे, ट्राइज थे, वो काफ़ी कम थे। बिल्कुल बिल्कुल, और किलियन एम्बाप्पे का वो रन काइल वॉकर के अगेंस्ट जो बीट कर दिया उन्होंने कल, उन्हें
डेफिनेटली आई थिंक इंग्लैंड ने काफी काफी हार्ड टाइम दिया था, क्योंकि एम्बापे से हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला था। उन्होंने उनके उनके थे कुछ रन थे, बट आई थिंक जिस तरह से वो खेलते आए हैं इस वर्ल्ड कप में, हमें काफी लाइक यू नो काइल वॉकर इंग्लैंड की डिफेंस, क्योंकि हमने देखा था काफी प्लेयर्स काइल वॉकर की सपोर्ट के लिए भी आ रहे थे पीछे, क्योंकि एम्बापे को जगह नहीं मिली ड्रिबल करने के लिए, तो हमने देखा कि वो काफी गिव एंड गोस कर रहे थे, काफी 1-2 टचेस में खेल के भागने की कोशिश कर रहे थे। बट उस साइड से उन लोगों ने इंग्लैंड ने काफी अच्छा ट्राई करा कि उन्होंने उनका जो एम्बापे वाला जो साइड था काफी ब्लॉक करके रखा। चलिए ये तो रही इस मैच की बात, लेकिन अगला जो जो इससे पहले मुकाबला हुआ मोरक्को वर्सेस पोर्टुगल, एक और इतिहास मोरक्को के लिए, जो मैं यहाँ फैन से भी सुन रहा था, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि उन्होंने पोर्टुगल को हराया। वो हमेशा इस चीज को ऐड कर रहे थे कि नहीं, हम रोनाल्डो की पोर्टुगल को हराए हैं। आई थिंक हम सबको पता है कि रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में, एंड आई थिंक अगर वो किसी भी टीम के लिए खेलेंगे वो टीम उनके नाम से जानी जाती है। एंड आई थिंक सिर्फ पोर्टुगल को हराना नहीं, सेमीफाइनल तक पहुंचना एक अफ्रीकन कंट्री के लिए वो बहुत बड़ा विन था। एंड आई थिंक वो कल हम सबको देखने को मिला, जिस तरह से फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे फील्ड पर आए हुए थे, मोरक्को के प्लेयर्स अपने फैमिली मेम्बर्स को आए थे, पिक्चर्स वायरल हुई हैं कि मोरक्को के प्लेयर्स अपने फैमिली के साथ जो डांस कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि कितनी इम्पोर्टेंट विन थी, क्या क्या वैल्यू थी, क्या लाइक यू नो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये गेम जीतना और ये हिस्ट्री बनाना। अगेन दालिमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे क्रूशियल मैच में, अगर आपको पता है कि आपके पास में दुनिया का एक बेहतरीन प्लेयर मौजूद है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपकी टीम में मौजूद है, ये अलग बात है कि ये टूर्नामेंट उनके लिए उनके हिसाब का नहीं रहा है, लेकिन क्या उस प्लेइंग 11 में आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शुरुआती में जगह देनी चाहिए थी? क्योंकि अब तो सवाल ये भी उठेगा ना, पहले जैसे सवाल उठ रहे थे कि यार जब 6 गोल उन्होंने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट लगा दिए थे तो पोर्टुगल या रोनाल्डो के बिना बेटर है, अब कोई ये नहीं कह रहा है हारने के बाद। आई थिंक वो डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि क्योंकि रोनाल्डो को देखा जाए तो फ्रांस एक ऐसी टीम है नहीं जो रोनाल्डो के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमने देखा है उनके काफ़ी स्कोर लाइन्स जो है वो रोनाल्डो के बिना भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो आई थिंक गेम में जाते हैं बोलता कि रोनाल्डो को पहले डाल सकते थे, अब क्योंकि रोनाल्डो को एक हाफ भी मिला उसमें भी हमने देखा कि उनका कंट्रीब्यूशन था थोड़ा टीम के लिए, बट वो रोनाल्डो जो पहले थे, जो उनका थ्रेट था, वो इतना नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, तो चलिए अब ये तो चीज हो चुकी है, लेकिन अब आपको फ्रांस के मुकाबले से क्या लगता है, क्योंकि उन्हें मोरक्को को खेलना है, उन्होंने इंग्लैंड को चांसेस दी थी, पेनल्टीज उन्होंने दे दी थी, इस मुकाबले के लिए क्या लगता है? फ्रांस, आई थिंक फ्रांस का डेफिनेटली, फ्रांस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, तो फ्रांस के पास काफ़ी एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट टीम है, वो पूरा एक कंप्लीट टीम है फ्रांस, चाहे आप डिफेंस की बात ले लीजिए, चाहे आप अटैक की ले लीजिए, चाहे आप मिडफील्ड की ले लीजिए। एंड ग्रीज़मैन अगर देखा जाए, ग्रीज़मैन काफ़ी अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बट वो जो असिस्ट निकाल रहे हैं, वो जो पासिस निकाल रहे हैं, जो गेम कंट्रोल कर रहे हैं मिडल में, वो काफ़ी क्रूशियल रहा है। और मोरक्को को सेमीफाइनल में जाते हुए ये पता है कि वो क्या किस लेवल ऑफ फुटबॉल और किस टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो एक टीम जो पहला वर्ल्ड कप जीत चुकी है और अब सेकंड टाइम सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, तो आई थिंक वो एक गेम काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो क्वार्टर फाइनल तो हो चुका, सेमीफाइनल की बारी है, देखते हैं कि अब कौन सी दोनों टीमें रहती हैं जो कि फाइनल में जगह बनाती हैं। दालिमा, बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स से बात करने के लिए, आगे होने वाले मैचेस में फिर आपके साथ में जुड़ेंगे और बात करेंगे दूसरे मैचों की। थैंक यू। थैंक यू।